हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। ये वीडियो है 27 तारीख का, संडे का। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपको, आपके सभी परिवारों को। आप सभी हमेशा ऐसे ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो, यही आशा करती हूँ मैं। अभी सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय और पकोड़े नाश्ते में। तो आज इनकी छुट्टी है तो चलो, और माही भी आई है तो उसने बोला कि मुझे पकोड़े खाने हैं, तो इसीलिए मैंने पकोड़े बना दिए कि सुबह नाश्ते में सब थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाएगा, फिर पूरे दिन काम करते रहेंगे। और पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, क्रिस्पी है एकदम। और अभी सुबह सुबह थोड़ा सा माही का मूड ख़राब है क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको डांट दिया था। मैंने इसलिए डांट दिया था कि सुबह उठती है टीवी चला के बैठ गई, और ये नहीं कि ब्रश कर लूँ, कुछ और काम कर लूँ। भी त्यौहार के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, तो चलो बच्चा है, काम तो क्या करेगा, लेकिन टीवी चला के बैठ गई थी इसीलिए थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया था। थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो गई थी अपने मौसा से बात करते करते, तो अभी ये खा रही है और टीवी देख रही है। मगर चलो देख लो टीवी। बस अभी आंटी आई हुई है सफाई वाली, मैं नहा चुकी हूँ और कर रही हूँ चादर चेंज, तो अभी बेडशीट मैं चेंज कर दूंगी। और हर दिवाली मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है एक बेडशीट से ही घर का। और जो बाहर वाली दो अभी बेडशीट देखी थी आपने, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, और दोनों की दोनों बेडशीट डबल बेड वाली है कि सिंगल मैंने नहीं ली है। और जो अभी आप देख रहे हो वो है सिंगल की, ये ली है मैंने 350 की, इसके साथ दो तकिए के कवर है। तो अभी माही नहा चुकी थी तो वो भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए कि तकिए में कवर मैं डाल देती हूँ मौसी, तो मैं कहा हाँ ठीक है। आप बच्चों को काम करने के लिए बोलते हो ना तब नहीं करेंगे, लेकिन अपनी खुशी से जब वो करते हैं ना तो बात अलग ही होती है। और इसको शौक भी है हर चीज़ में, बीच बीच में काम करने का कि ये काम मैं कर दूँ। तो आगे अभी आप देखोगे किस किस तरीके इसने छोटी छोटी हेल्प से मेरी बहुत मदद की है आज।
छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बस गेट पे जो ये लड़ी लेके आई थी मैंने वो लगाई है, और जो लाइटिंग वाली लड़ी है वो लगा दी है। और माही के आने से घर में बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में जब बच्चे होते हैं तो अलग ही रौनक लग जाती है, काम करने में बहुत मन भी लग रहा है और बहुत खुशी से किया जा रहा है। और आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरा घर, दिवाली पे कैसे सजाया है हम लोगों ने, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और माही को लग रहा था हर काम मैं ही करूँ, बस मुझे बताते रहो कि मैं करूँगी, तो अभी लाइट भी सोच रही थी कि मैं ही लगा देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि इस रूम के पर्दे चेंज करने के लिए, तो फाइनली आज हो गए हैं। तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है इस पर्दे चेंज करने के बाद। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि माही को लग रहा है कि हर काम मैं करूं, तो अभी ये जो लक्ष्मी जी के पैर हैं वो लगा रही है, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में, छोटे छोटे जो काम हैं। तो मेरी सफाई वाली की बेटी आ गई थी राधिका, तो जिसने मुझे मेहंदी भी लगाई थी, तो वो बोली मैं बना देती हूँ रंगोली। तो मैंने पहले इससे पूछा था कि पैसे कितने लेगी, कह रही नहीं भाभी मैं ऐसे ही बना दूँगी। माँ चलो ठीक है बना दे, क्योंकि वही गलती मैं दोबारा दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। और इसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, और मुझे तो रंगोली बनानी नहीं आती है ना माही को, और मैं तो हमेशा क्या करती हूँ ये छलनी लेके आती हूँ, बस कलर से इन्हीं से बना देती हूँ। तो ये आ गई तो इसने बना दी है, अच्छा लग रहा है। मैं तो बस ये जो छलनी आते हैं जिससे अभी आप जो देख रहे हो, मैं इसी से बनाती हूँ हमेशा।
अभी मंदिर वाले कमरे में भी मैं रंगोली बना रही हूँ, तो लक्ष्मी जी के पैर वाली रंगोली है तो काफ़ी अच्छी बनी है। और ये बाहर की तरफ हमने लाइटिंग लगा रखी है। बस अभी थोड़ी देर में हम पूजा करेंगे, बस पूजा करने में बैठ गई हूँ। तो कोई ऐसा बड़ा तो है नहीं जो हमें बताएगा, तो हम अपने तरीके से हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं पूजा जैसी हमें आती है। एक होता है ना कि बड़ा बताता हो तो अच्छा रहता है, लेकिन कोई मेरी सास तो है नहीं जो बताएंगी कोई बड़ा ऐसा। तो जिस तरीके से हमें श्रद्धा भाव से हमें आती है हम कर लेते हैं दोनों मिलके। और पूजा करने का तरीका सब लोगों का अलग-अलग होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ से मेरी एंट्री शुरू होती है। और आप सभी बताना कि कैसा लग रहा है मेरा घर। तो ये मैंने बेडशीट दोनों चेंज कर दी थी, जैसे कि आपने शुरू में बताया है। टेबल पे कवर बिछा दिया है आज मैंने। और ये छोटी छोटी, और आज ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं बस निहारती रहूँ अपने घर को, बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर आप सभी को मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना ना, मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार मेरे पास पहुंच जाता है। इसी तरीके से अपना प्यार अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना। और इतने सालों में मैंने पहली बार देखा अपने हस्बैंड को बम पटाके ख़रीदते हुए, वो भी माही के कारण, नहीं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज उन्होंने बहुत सारे बम पटाके ख़रीदे भी, जलाए भी। तो ये एक्सपीरियंस मेरा मेरे हस्बैंड के साथ पहली बार है। सब माही के कारण हुआ, माही की खुशी के कारण हुआ, क्योंकि माही को ये सब बहुत अच्छा लगता है, हर बच्चे को अच्छा लगता है। जब मैं भी अपने शादी से पहले बहुत बम पटाखे जलाती थी, लेकिन शादी के बाद तो शायद मैंने ये पहली बार ही किया है। और माही को लगता है कि दिवाली का मतलब होता है कि बम पटाखे फोड़ो, यही होता है बच्चों का। मज़ा मैं उधर मज़ा वही इधर आ गया। अभी नहीं हो।
नहीं एक ही करो, एक टाइम एक ही करो। हटो हटो माई हो उस पर नहीं आग लग जाएगी उस पर और ये जो बैलून है हम लोग पहली बार लेके आए हैं, पहली बार जला रहे हैं, ये मैंने भी कभी नहीं करा था। तो ये हमने फर्श पे रख दिया था और ये चिपक गया था, इसके अंदर जो मोम लगा हुआ था वो फर्श पे चिपक गया था और हम बस उस पर से जो लिखा हुआ था उस पर से पढ़ पढ़ के हमने किया है। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब।
ओह माय गॉड कहाँ गया। तो अभी तेल थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा कि फिर से एक बार डाल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड बस अभी सब में दोबारा डाल रहे हैं तेल, और ये तिल का तेल है, हमने तिल के तेल यूज़ किया है दियो में। अभी हम सब खाना खाएंगे। तो मैंने बनाया था आलू की सब्जी और दाल मखनी पूरी, खाना बहुत अच्छा बना है। और बस जिस दिन फेस्टिवल होता है इतना खाने का मन नहीं होता, बनाते लेते इतना सारा, पता नहीं क्या उस दिन बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती। बस एक दो पूरी सबने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खाया था सबने, तो हमने एक ही प्लेट में तीनों का लगाया था। अभी माही का तो बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसको खिला दिया है कि खाली पेट मत सो, क्योंकि सुबह ही खाए थे पकोड़े, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे वो खाती रही। आज मैंने कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, अगली बार बनाऊंगी तो दाल मखनी ज़रूर करूंगी आप लोगों के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।